लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों पर नजर रखने के लिए मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के बाद से, खासकर अमेरिकी स्वतंत्रता और फ्रांसीसी क्रांति के समय से, जनता तक पहुंचने और उसे जागरूक कर सक्षम बनाने में मीडिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया अगर सकारात्मक भूमिका अदा करे तो किसी भी व्यक्ति, समूह, संस्था और देश को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं इंस्टार इंडिया। इस समय समाज में उत्पन्न हालातों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मीडिया को कुछ लोग लंगोट की तरह प्रयोग कर रहे हैं, कभी ढीला तो कभी टाइट और बस इज्जत बरकरार रहे। संविधान का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया शायद अपनी नीति से भटक गया है। सच्चाई दबाना अब मीडिया का पैसा बनता चला जा रहा है, चाहे वो एफ न्यूज़ हो या एच न्यूज़ या फिर कल तक हो, सभी न्यूज़ राजनीति की चापलूसी में लगे हैं। उनको समाज की सच्चाई क्या है इससे कोई मतलब नहीं है, उनका एक कमेंट समाज पर क्या प्रभाव डालेगा इससे भी उनका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी TRP बढ़नी चाहिए। राजनीति व व्यापार में फंसे कुछ मीडिया कर्मियों की बदौलत पूरे मीडिया समाज को कलंक लग रहा है। कोरोना महामारी के समय चारों ओर समाज में चिलतराफ मची हुई थी, लोग अपनों की जान काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बचा पा रहे थे। प्राणवायु के लिए लोग दर दर की ठोकरें खा रहे थे। एक तरफ आला कमान कह रहे थे कि प्राणवायु की कमी नहीं है और दूसरी ओर प्रत्येक जिले में प्लांट लगवाने की बात कर रहे थे, किंतु रात गई सो बात गई वाली कहावत पर आला कमान खामोश हो गए। अब मीडिया को यह नहीं दिख रहा कि सरकार के इस आदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग करा ले। कोई मीडिया कोरोना काल को 5G से संक्रमण बता रहा था तो कोई वायरल संक्रमण बता रहा था, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई के रखवालों से भी दूर है। जो उन्हें राजनीति के नुमाइंदे बताते थे, बस उसे सच मान उनकी लाइव रिपोर्टिंग का प्रसारण किया जाता था और उसी रिपोर्ट को ग्राउंड रिपोर्टिंग कहते थे। वाह रे मीडिया, तुम्हारी ग्राउंड रिपोर्टिंग। इतना ही नहीं, अभी तक थाली बजवाई गई, घंटी बजवाई गई, और अब तिरंगा लहराया जा रहा है। अभी भी कलयुगी नारद की नींद नहीं टूटी। जो उन्हें सपनों के सौदागर बताते हैं उसी पर ग्राउंड रिपोर्टिंग कराई जाती है। उनका तो अब समाज से वास्ता ही नहीं रहा, उन्हें तो चाहिए सिर्फ और सिर्फ TRP। आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है भारत, हर किसी की टाइमलाइन बनी है, किंतु महोत्सव की हकीकत क्या है सभी से परे है। दिखाया कुछ जा रहा है, काम कुछ हो रहा है। ऐसे ही चाटुकार मीडिया के आला कमान चाहे तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन झोली बाबा से डरते हैं, सोचते हैं कि कहीं बाबा रूठ न जाएं। कोरोना काल से लेकर अब तक की जो स्थितियाँ हैं उनकी केवल पॉजिटिव रिपोर्ट ही मीडिया के दलाल तैयार करा रहे हैं, किंतु अगर हकीकत देखी जाए तो कोरोना काल में किस राजनीतिक पार्टी ने व किस मीडिया ने गरीब भूखे के घर खाना पहुँचाने का काम किया है। खाना कपड़ा ना दो, लेकिन हकीकत में गरीब पर क्या बीत रही है इसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग करा लो, मगर यह तो ना हो पाएगा क्योंकि आला कमान रूठ न जाए, मैनेज तो करना ही है। यही कारण है कि मीडिया कर्मों की औकात एक छोटा सा सिपाही व छोटे से छोटा कर्मचारी बता देता है। हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये देखिए, यहाँ पर कैमरा घुमाइए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं, ज्यादा आप चलिए पहले बाहर चलिए। इतना पढ़ लिख क्या कर लीजिएगा इसको बना क्या महाराज, मेरा कैमरा काहे छीन रहे हैं? अब आउट होंगे, अच्छा गेट आउट होइए। क्या करिएगा? कुछ नहीं करेंगे हम, अपना आपको रिक्वेस्ट करेंगे आप चले जाइए यहाँ से। कौन है? हम यहाँ के सिक्योरिटी अफसर हैं। कहाँ आपका वर्दी है? कहाँ वर्दी है या नहीं है, मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, मैं पहले आया हूँ। चलिए, सही ड्यूटी पे आप रहते हैं? हम कैसे रहते हैं, छोड़िए ना आपको। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। तो आखिर ये क्यों कर रहे हैं? दिमाग खराब करके रखा हुआ है, रखिए। दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मीडिया के दलालों की बाड़ा आ चुकी है, सच्चाई उनसे परे है, उनको केवल अपने जमीन व कारोबार से मतलब है। जब कोई सच्चाई लिखने का साहस भी करता है तो उसे आला कमान की लाल पीली आंखें देखनी पड़ती हैं। फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जाती है और तो और मुकदमे दर्ज कराकर कोर्ट तक घसीटा जाता है। क्या यही औकात रह गई है मीडिया की? ऐसा इसलिए हो रहा है कि मीडिया में बैठे आला कमान संपत्ति व चापलूसी के कारण अपने कर्तव्यों को भूल गए हैं। समाज को आईना दिखाने वाली मीडिया का ही लंगोट बुरी तरह से उलझ चुका है। अगर सच लिखता है तो फंसता है और गलत दिखाता है तो फंसता है। आलाकमान की वाहवाही तो मिलती है, लेकिन समाज के सवालों में उलझता जा रहा है। नेशनल TV पर लाखों डिबेट मिल जाएंगे जो तरह तरह के मुद्दों पर आपस में लड़ते दिख जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर कोई डिबेट करना नहीं चाहता, कुछ ऐसे सवाल जिस पर किसी भी मीडिया हाउस ने आज तक सवाल नहीं उठाए। जो शौचालय बनवाए गए हैं, कोई मीडिया बताए कि क्या 12,000 में उपयोग लायक शौचालय बनवाया जा सकता है? गरीब व्यक्ति को किस ऑफिस में सम्मान के साथ बिठाकर उसका काम किया जाता है?
जन सुनवाई के नाम पर अधिकारी पहुंचते तो हैं, लेकिन या तो मोबाइल चलाते रहते हैं या फिर सो जाते हैं। बेसहारा पशुओं के हालात बद से बदतर हैं, लेकिन कोई मीडिया उस ओर अपनी रिपोर्ट नहीं दिखाना चाहता। आखिर क्यों? इन सवालों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को तैयार किया है जहांगीराबाद से राम परवेश जी ने। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी अतुल जी है। मैं प्रताप सिंह। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।